हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को लेकर आया हूँ। ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें मैं बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा और आगे की सीरीज भी मैं कंटिन्यू करूँगा, बेसिक टू एडवांस। और इसमें हम प्रोग्रामिंग बनाना सीखेंगे, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, एक चीज़ है कि इसको हम जो सी लैंग्वेज है इसको हम बोलते क्या हैं। इसका एडवांटेज की बात करें तो जो इसका एडवांटेज होता है, कह सकते हैं साहब, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और दूसरा चीज़ इसमें है कि इसमें ये लो लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना, लो लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। और नेक्स्ट चीज़ है कि इसमें तैयार किए गए प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो द फास्ट एक्सक्यूटिंग, कह सकते हैं इसको हम एक्सक्यूटिंग। और जो सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स सपोर्ट होते हैं। ये कीवर्ड्स क्या होता है, मैं आगे के सेशन में आपको पूरा क्लियर करूँगा इसके बारे में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना जानो कि सी लैंग्वेज में टोटल जो होते हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं। और इसके बाद सी लैंग्वेज का मुख्यतः प्रयोग जो होता है मेनली, वो होता है साइंस, मैथ, और जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। और जो आपने देखा होगा गूगल क्रोम, ये भी इसका जो कोडिंग किया गया है वो सी पर किया गया है। एक और चीज़ कि सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने के लिए और अनेक पहले से ही डिफाइन फंक्शन को यूज़ करना होता है। और सी लैंग्वेज आपको यूज़ करना है तो इसके लिए आपको विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं है। और एक और चीज़ है कि यह केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? देखो, केस सेंसिटिव का अर्थ ये होता है कि कैपिटल लैंग्वेज हो, कैपिटल लेटर लिखा गया है तो उसका अलग मतलब होगा, और स्मॉल लेटर लिखा हुआ है तो उसका अलग मतलब होगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिव, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि क्या हम यूज़ कर पाएंगे, ओके। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखो जी, यहाँ पे क्या करना है, एक और काम देखो, जनरल स्टेप टू लर्न सी लैंग्वेज। अगर हमें सी लैंग्वेज सीखना है तो कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो, पहला स्टेप फॉलो करना है तो बहुत ही आसान है स्टेप फॉलो करना, कि हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्या, वो मैं बताता हूँ। पहले अल्फ़ाबेट की नॉलेज हमें अच्छी से हो, ठीक है। दूसरा क्या हो, दूसरा हमारे पास डिजिट का नॉलेज हो अच्छे से। तीसरा ऑप्शन होता है कि हमें जो स्पेशल सिंबल होते हैं उनका नॉलेज हो ढंग से हमें, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें बेसिकली चाहिए। इसके बाद और भी चीज़ होता है कि इनके बाद क्या चाहिए आपको, वो मैं भी बताता हूँ आपको। इसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट ऑप्शन, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट वेरिएबल। तो हम पहले लिख देता हूँ मैं कॉन्स्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल, और तीसरा होता है कीवर्ड। अब ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल कीवर्ड क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप इसका टेंशन मत लेना, फिलहाल इतना जानो कि हमें जो जनरल स्टेप, हमें क्या क्या फॉलो करना होता है कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है सी का, तो हमें जनरल फॉर्मेट क्या यूज़ करना है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा ऑप्शन, हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। हम लिखते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर, लिख दिया मैंने प्रोग्राम। तो आपने ये जाना कि अगर कोई भी प्रोग्राम रन कराना है, ठीक है, आपको क्या करना होगा, पहले ये स्टेप फॉलो करना होगा। पहला ये वाला फॉलो करोगे, ये वाला आपने देखा, उसके बाद फिर इसको फॉलो करोगे, फिर ये दिख रहा आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, इसके बाद ये प्रोग्राम। बस समझ आई, अल्फ़ाबेट आपको चाहिए अच्छे से, नॉलेज होना चाहिए, डिजिट की नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल जो सिंबल होते हैं उनके नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद उनसे बनाएंगे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल और कीवर्ड। कीवर्ड को भी आप जानेंगे अच्छे से। अगर इनकी नॉलेज आपके पास है तो आप इंस्ट्रक्शन बनाना सीखेंगे। इंस्ट्रक्शन अगर आपको अच्छे से आता है तब जा कर के आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखो स्टेप टू क्रिएट अ सी लैंग्वेज, अगर आपको सी लैंग्वेज बनाना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप टू क्रिएट अ सी लैंग्वेज, ठीक है। अगर इसमें इसमें क्या क्या स्टेप चाहिए, पहला होता है साहब देखो, पहला होता है कि राइट प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखिए। दूसरा जो होता है इसे कहते हैं हम लोग प्री प्रोसेस। ये प्री प्रोसेस क्या होता है इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल मैं इजी लैंग्वेज से लेकर चलूँगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं होगा, कोई हार्ड नहीं। ये केवल एक प्रेशर होता है कि सी लैंग्वेज बहुत ही टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक का आपको एक स्टेप समझना होगा, ठीक है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो जैसे ही आप समझते हो आपके लिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। हाँ ये बात सत्य है, सही है कि जिनका मैथ अच्छा होता है उनके लिए टेंशन उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो। देखो पहला स्टेप होगा राइट प्रोग्राम, प्रोग्राम को लिखा, प्री प्रोसेस करोगे और फिर कंपाइल होता है, कंपाइल यानी चेक करना। और जो नेक्स्ट होता है फोर्थ नंबर, इसे कहते हैं लिंक, एक फाइल से लिंक करेगा। और नेक्स्ट होगा इसमें कहते हैं लोड करना, ये लोड करेगा अपने आप को। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप को बोलते हैं एक्सक्यूट, यहाँ पे प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो इसको क्या चीज़ है। ये मैंने बताया कि स्टेप टू क्रिएट अ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को बनाने के लिए हमें पहले प्रोग्राम लिखना होता है और दूसरा क्या है प्री प्रोसेस, उसको चेक करानी पड़ती है, कंपाइल यानी उसको पूरा एक पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा, लिंक स्टेबलाइज करेगा, लोड करेगा, उसके बाद रन कर जाएगा। रन देखो एक्सक्यूट का अर्थ होता है रन करना, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में मैं इतना ही कवर करूँगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो को भी मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ओके।